कौन है ऋतु शाही, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में क्यों हो रही चर्चा, डीके शाही से क्या कनेक्शन। सुल्तानपुर का मंगेश यादव एनकाउंटर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इसके साथ साथ चर्चा में है यूपी एसटीएफ और एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही। वजह यह है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर डीके शाही के नेतृत्व में ही किया गया है, लेकिन इसी बीच एक और नाम और फोटो भयंकर तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो नाम है ऋतु शाही। अब सवाल ये उठता है कि ऋतु शाही का मंगेश यादव एनकाउंटर से क्या कनेक्शन है और डीके शाही के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रही हैं। तो आपको बता दें, सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया था और इस टीम को एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही लीड कर रहे थे। मंगेश पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। डीके शाही यानी कि धर्मेंद्र कुमार शाही देवरिया के नौतन गांव के रहने वाले हैं। डीके शाही को 2 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 2019 में उन्हें डिप्टी एसपी रैंक पर प्रमोट किया गया। अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ऋतु शाही कौन है। तो आपको बता दें, ऋतु शाही डीके शाही की पत्नी है। इसके साथ साथ ऋतु शाही बीजेपी नेता भी हैं। उन्हें हाल ही में प्रदेश महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। ऋतु गोरखपुर बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंबे समय से बीजेपी में काम कर रही हैं। देवरिया चेयरमैन चुनाव में भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। अब उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। ऋतु शाही एसटीएफ के डीपी एसपी डीके शाही की पत्नी है, जिसकी वजह से ही मंगेश एनकाउंटर में उनकी चर्चा भी हो रही। ऋतु शाही और डीके शाही की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रही हैं। उसके बाद से ही हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा था कि आखिर ऋतु शाही कौन है और डीके शाही से इनका क्या संबंध है। बता दें आपको दूसरी तरफ कि मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद से ही यूपी एसटीएफ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ यूपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंगेश के परिवार ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए इसे फेक बताया, जबकि अखिलेश यादव ने तो इसे जाति से ही जोड़ दिया है और उन्होंने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और तो और, इस एनकाउंटर पर भयंकर तरीके से राजनीति भी हो रही है। और तो और, मंगेश यादव की बहन के मुताबिक जिस वक्त लूटपाट के आरोप जो मंगेश पे लगे हैं, उस लूटपाट में मंगेश का हाथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस वक्त लूटपाट हुई थी उस वक्त मंगेश यादव घर पर मौजूद था। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसकी जांच होनी अभी बाकी है। इस खबर में सिर्फ नहीं, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।